तो यार आज मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर सोने वाला हूँ। तो अब हो चुकी है शाम और अब हम शुरू करने वाले 24 आवर्स स्पेंड करना अपनी गाड़ी के अंदर। तो हमारा होने वाला है पहला काम जो कि कार की सीट्स को फोल्ड करना, जो कि बहुत ज्यादा कष्टदायी होने वाला है, बट खैर शुरू करते हैं फिर। तो यार अभी तक मेरे को बन नहीं रहा था कि इसकी सीट कैसे फोल्ड करते हैं, बट मैंने यूट्यूब से सीख लिया, तब करना शुरू करते हैं। आई होप कैमरे के सामने जाए, क्योंकि मैंने विदाउट कैमरा कोशिश करी थी तो हो गया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लीवर ढूंढना, जो कि यहाँ पे लीवर होता है, तुम लोगों को पता है। थोड़ा सा तू आगे जाना कैमरा में, थोड़ा सा आगे जाएगा अगर दिख नहीं रहा हो तो। ये लीवर है, अब हाँ हो गया। आई होप कैमरे से हम लोग सेम चीज सेकंड सीट के साथ करना है। तो ये हमारी सेकंड सीट और इसको दबा देंगे तो ये फोल्ड हो चुकी है यार। तो देखो कितना सही है, एक्चुअली थोड़ा रिक्लाइन भी है ऐसे, जिससे हम अपना सर रख सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बारी है अब लास्ट वाली सीट को फोल्ड करने की, जो कि थर्ड रो है। यार थर्ड सीट को फोल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं खोलना पड़ेगा बूट इस गाड़ी का। तो मेरे को पता, इतना तो पता यार, ये चीज मैंने यूट्यूब में नहीं सीखी, ये चीज तो मेरे को पता था कि लास्ट वाली सीट कैसे फोल्ड करते हैं। कैमरा मैन जरा कैमरा पकड़ लीजिए प्लीज। तो अभी वाली सीट है, इसको भी फोल्ड करते हैं ऐसे, और ये भी फोल्ड हो गई। वायर कितना सही लग रहा है। अबे साले, तो यार देखो हम घर में रहते हैं तो साफ सफाई से रहते हैं, अब गाड़ी के अंदर तो मैं गंदगी भी रहने नहीं वाले, क्योंकि यार गाड़ी के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग रहते हैं तो गंदगी हो जाती है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया, तो पहले सबसे पहले गाड़ी साफ करते हैं, उसके बाद रहन सहन शुरू करते हैं गाड़ी के अंदर। तो यार ये हमारे बच्चे छोटे से कैमरा मैन, तो ले भाई स्टार्ट कर, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो यार देखो पहले कैमरा मैन धूल दिखाता है, धूल है कि नहीं, देखो थोड़ा ना गंदा है यहाँ पे, सबसे पहले मैं साफ कर लेता हूँ कि यार गंदगी में ऑफ कोर्स मैं रहने नहीं वाला हूँ। तो यार ये सारी शीट्स मैंने यहाँ गाड़ी की फोल्ड कर ली है। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, किसी को पता नहीं कि मैं कार के अंदर सोने वाला हूँ आज। तो जल्दी कट लेते, नहीं तो कोई रोक लेगा यार अपने को। यार ये चोरी चुपके मैंने ब्लैंकेट्स लिया है और ये कुछ तकिया भी लाए हैं और भी आइटम्स अभी लेने जाना है। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं इन ब्लैंकेट्स को यहाँ पे बिछाना, चूंकि बहुत ही ज्यादा कष्ट वाला काम है मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है 80% काम। अब एक समस्या ये जो कि रात को सोने की, क्योंकि यार ये वीडियो हमने गर्मी में शूट कर रहे हैं, अगस्त का महीना जो कि बहुत ज्यादा उमस का होता है। अब तुम सोच रहे हो कि हम कार के अंदर तो एसी चालू कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं, बट वो एक दो घंटे के लिए सिर्फ कर सकते हैं। रात भर में कार के अंदर एसी चालू नहीं करने वाला, क्योंकि यार एसी चलती है इंजन से, हमें रात भर इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि मैं वीडियो कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ घर पे, यार तो घर में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने इसका एक जुगाड़ ढूंढ के रखा है। तो यार हमारा जुगाड़ है ये देखो। तो मैंने यहाँ पे कूलर ही लगा लिया यार डायरेक्ट, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स ही चल रहा है, तुम्हें विश्वास हो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे समीर सच में सो चुके हैं। समीर उठो उठो, वीडियो कंटिन्यू बनानी है। अबे यार बहुत तेज दीदारी सच में। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें सेट कर ली और मैंने उड़ने के लिए चद्दर भी लिया है और इधर मेरा मैग भी मैंने रख लिया है कुछ देखने वेखने के लिए। तो ये सारी चीजें भी रेडी हो चुकी है और मेरे भाई की तो जगह थी नहीं, तो मैंने उसको अंदर ही भेज दिया कि तू जाके अंदर ही सोता ना, इसलिए वो जा चुका है। तो अब मैं अकेले हो चुका हूँ यहाँ पे पूरा। तो सारी चीजें कम्प्लीट तो हो ही चुकी है, तो मैं सोचा था कि थोड़ी देर के लिए एसी चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसी चालू कर लिया है और यहाँ पे वेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ नीचे, जिससे यहाँ पे मैं लेटूंगा तो सीधे फ्लो लगेगा मेरे ऊपर। ओके, तो यार अब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, ये है मेरा बैग और मैं लेटे लेटते कुछ नेटफ्लिक्स में देखूंगा, जो कि यूजली मैं घर में कभी करता रहता हूँ। और एसी का वेंट मैं पहले से सेट करता हूँ, क्योंकि यार हवा यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही, तुम मेरा पसीना देख सकते हो। तो यार ये है मेरा एसी का वेंट, तो इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो तेज कर लेते हैं। तो यार अब बहुत सही हवा रही है, मतलब नीचे आएगी थोड़ा वहाँ पे लेटने के बाद। तो यहाँ पे मैं लाइव प्रीव्यू में देख भी रहा हूँ कि क्या क्या सारी चीजें हो रही है। और यार अब मैं लेट जाता हूँ, तक तुम मुझे एंजॉय करो लेट के, अब तुम देखते रहो। और ये मैंने चद्दर भी ली, तो इसको ओढ़ लेता हूँ यार। ओके, तो अभी बच चुके हैं रात के एक। एक्चुअली ना मैं कभी कभी रात में लेट सोता हूँ, तो आज भी लेट ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी तक नींद आ नहीं रही है। तो ओके, तो मैंने ना अभी सीरीज वगैरह देख ली बहुत सारी यार, मैं थोड़ा ना बोर हो गया हूँ। तो मैंने ना कुछ देर पहले मम्मी का फोन मंगवा लिया था, तो ये माता जी का फोन मैंने टॉर्च चालू करके रखी, क्योंकि अभी अंधेरा था यहाँ पे। तो मैं एक चीज करने वाला हूँ, नेटफ्लिक्स देख कर तो मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं देखने वाला हूँ यार इसमें पुरानी फोटोज, मेरे को कुछ देखनी थी बहुत दिनों से, मैं वो देखूंगा, क्योंकि ये फोन 3 या 4 साल पुराना है, जिसमें जो जीमेल अकाउंट डाला हुआ है फोटोज का बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो सारी फोटोज आज मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे को एडिट वगैरह भी करना था, तो क्या हो सकता थी। तो यार मुझे ना मेरी पुरानी फोटो मिली है, तो खैर उसमें मैं कितना ज्यादा छोटा दिख रहा था ना, एकदम देखो बच्चा लग रहा हूँ यार। अब ज्यादा पुरानी फोटो नहीं है, सिर्फ 4 साल पुरानी फोटो है, 4 साल में मैं इतना ज्यादा बदल चुका हूँ। अरे यार गाड़ी वाले और इधर से जा रहे हैं।
मुझे एक और फोटो मिली है 2019 की। भाई फिल्म देखो मैं कितना चिमकांडू लग रहा हूँ, छोटा सा एकदम छोटा छोटा बच्चा लग रहा हूँ भाई, इतना छोटा था यार पहले मैं तो। देखो यही सब देख के टाइम पास हो रहा हूँ। आई डोंट नो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती हूँ या नहीं होती हूँ, बट भाई मेरे को नेटफ्लिक्स यूट्यूब देखने के बाद जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मुझे पुरानी फोटोज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे अभी सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज से 3 या 4 साल बाद फिर मैं शायद ये देख सकता हूँ। तो भाई हर एक चीज़ मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, तो वो सब तो है ही भाई। तो यार मैंने फोन में बहुत सारी फोटोज देख ली, अब टाइम हो रहा है डिनर करने का, तो अब डिनर कर लेते हो कि मेरे को लेट में खाने के आया था तो अभी बच चुके हैं 1 के आसपास। तो यार पीछे से सोने की व्यवस्था, बट मैं आ चुका हूँ आगे क्योंकि यार बेड को अलग रखते हैं और डाइनिंग टेबल को अलग रखते हैं, तो यहाँ बैठ के मैं आराम से खा सकता हूँ यार, तो सीट वीट प्रॉपर लगी हुई। तो चलो खाना शुरू करते हैं जल्दी से। ओके तो खाने के लिए सबसे पहले मैंने ये गुजिया और पपड़ी ले आई थी यार, ये मेरी नानी ने बनाया था मेरे लिए, तो ये तो पूरी खत्म हो चुकी, बट उसके बाद मैंने मंगवा लिया था अभी समोसे खाने के लिए। तो यार देखो रात में मस्त गर्मा गर्म समोसे हैं, और मतलब गर्मा गर्म थोड़ी देर पहले बने हुए थे, और ये मेरे साथ मिठाई मंगवा ली क्योंकि यार रक्षाबंधन चल रहा था तो उसकी मिठाई रखी हुई है, तो इसको आराम से मैं खाता हूँ और अपना डिनर कंप्लीट करता हूँ फिर आज। तो यार मैंने नाइट में एक बार वॉशरूम यूज़ कर लिया था और अब सीधे कल करूंगा, आई होप बीच में जरूरत नहीं पड़े। तो मेरे पास सिर्फ 2 चांस थे वॉशरूम यूज़ करने का, तो मैंने तो एक कर लिया, अब कल सीधे करूंगा। तो अभी बच चुके हैं रात के 2, मतलब सिर्फ 3-4-5 मिनट बचे हुए हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब सो जाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी नींद आना शुरू हो गई है यार। ये ना SUV कार से मैं आराम से लेट सकता हूँ पैर फैला के, बट गाड़ी जितनी बड़ी हो बट बिस्तर जैसी सेम नींद तो नहीं आ सकती है। ठीक है अभी सोना शुरू करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी नींद आ रही है। तो यार मेरे इस वाले फोन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी, इसको चार्ज लगाने के लिए मैं अंदर तो जा नहीं सकता था, इसलिए गाड़ी के अंदर चार्ज लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर इसको चार्ज लगाते हो कि यार इसे 5-10% तो गाड़ी के अंदर ही लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये मेरा फोन है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं केबल निकाल के यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, मेरा फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यार अभी बच चुके हैं सुबह के 4 और मुझे बहुत ज्यादा सुस्त वाली थी, बट अभी मैं जाने नहीं वाला, अब सीधे सुबह जाने की कोशिश करूंगा। अभी इसको जाता हूँ यार क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हाय बेबी इंद्रो, गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठ चुका हूँ यार, और उठा था मैं कुछ सो के 6:30 बजे के आसपास सो के उठा था, एंड उठा ही ना मैंने पीछे के सारे ब्लैंकेट्स वगैरह साफ कर दिए थे क्योंकि ऑफ कोर्स यार सुबह तो मैं लेटता नहीं और सोता नहीं, और मैंने सब कुछ साफ कर दिया जो कि तुम देख सकते हो, कुछ ऐसे साफ किया था उस टाइम पर थोड़ा अंधेरा भी था। एंड मैं सेकंड वॉशरूम ब्रेक भी कंप्लीट हो चुका यार, अब तो भाई ऐसे ही बैठना पड़ेगा। आई होप ऐसी कोई चीज मैं ना खाऊं और पीऊं कि फिर से वॉशरूम लगे। और जब वॉशरूम गया था तो गलती से भाई अपने ऊपर ही पैंट डाले तो टी शर्ट चेंज करनी पड़ गई। तो अब चलो नाश्ता करते क्योंकि नाश्ता आने वाला होगा, और चल के तुम्हें पहले दिखाता हूँ पीछे कैसे साफ ऑफ हो गया है। तो मैंने ना सारी चीजें समेट दी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखो बाहर मैं नाश्ता भी आ चुका है यार, तो अभी ले लेता हूँ मैं, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अरे ला के रखते, अबे यार भाई ट्रे ले आता साथ में, कोई बात नहीं। तो हमारा नाश्ता आ चुका है, ये है मुंगौड़ी और ये चटनी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी चटनी और मुंगौड़ी खाना शुरू करता हूँ, फिर चलते हैं घूमने के लिए। बाकी यार ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है, मैंने थोड़े से मंगवाए थे क्योंकि मुझे कितनी ज्यादा भूख लगी सुबह, चद्दर उद्दर मैंने सुबह ही समेट लिए थे जो कि तुम देख सकते हो सारा साफ हो चुका है यहाँ पे। तो मेरा
मेरा चैलेंज फाइनली कम्प्लीट हो चुका 24 आवर्स कार के अंदर रहने का। एक्चुअली दोपहर को ना मैं मम्मी को ले गया था मार्केट, इसलिए ज्यादा कुछ शूट नहीं किया। ओके, तो मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। मैं नहा धो के फ्रेश होकर बैठ चुका हूँ। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो भाई रात भर कार में सोने में कसम से मेरी पीठ टूट ही गई थी यार। मैं ही जानता हूँ कैसे सोया था। ऑफकोर्स दोपहर में मैं मार्केट गया था गाड़ी से तो कुछ शूट नहीं किया, एंड शाम को मैं निकल के सो गया था। उसके बाद अभी फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में देखो रात होने वाली है और यार मतलब अंदर से बहुत ज्यादा खुशी लग रही है। 24 घंटे मैंने कंप्लीट कर ली कार के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट साल किसी चैलेंज के साथ।